हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रिचा एंड वेलकम टू माय चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स। तो कौन कौन से टेस्ट करते हैं ब्रिक्स के लिए, तो देखिए नंबर फर्स्ट है हमारा डायमेंशनल टेस्टिंग, या इसे साइज टेस्टिंग भी बोल सकते हैं। ओके, जब हम ब्रिक्स को बनाते हैं उसके बाद जब हम उसे सुखाते हैं उसके बाद उसे हम पकाते हैं यानी बर्निंग करते हैं, तो ड्राइंग और बर्निंग में यानी सुखाने और पकाते समय क्या होता है कि उसका जो साइज है उसमें श्रिंकेज होता है, मतलब उसका साइज जो है वो श्रिंकेज की वजह से कम हो जाता है। तो कितना श्रिंकेज होना चाहिए उसका भी एक स्टैंडर्ड लिमिट होता है, जो कि इसका जो स्टैंडर्ड साइज होता है उसमें भी केवल 2% की छूट दी जाती है कि 2% कम या ज्यादा हो सकता है। अगर इससे कम या ज्यादा है तो वो हमारा स्टैंडर्ड साइज है, ठीक है, जो कि 19 cm × 9 cm × 9 cm जो कि माना जाता है, तो उसमें केवल 2% की ही छूट दिया जाता है। अगर उससे कम या ज्यादा है तो वो हमारे लिए ही सही नहीं है, यानी कि उसमें श्रिंकेज हो गया है या उसमें उसकी साइज में ज्यादा चेंजिंग आ गया है। तो इसके लिए हम सबसे पहले नंबर ऑफ ब्रिक्स 20 लेते हैं। हमेशा डायमेंशनल टेस्टिंग में नंबर ऑफ ब्रिक्स 20 लेते हैं। फिर हम इस 20 ब्रिक्स को हम लेंथ के अकॉर्डिंग रखते चले जाते हैं। तो हम जानते हैं कि ब्रिक्स का जो साइज होता है, साइज ऑफ ब्रिक्स वो हमारा होता है 19 cm × 9 cm × 9 cm। तो जब एक ब्रिक्स की लंबाई 19 सेंटीमीटर है तो नंबर ऑफ 20 ब्रिक्स का लंबाई कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू 19 × 20 = 380 cm। टोटल लंबाई हो जाएगा हमारा 380 cm। ओके, लेकिन इसमें 2% का छूट दिया गया है, तो इसका 2% का छूट कितना हो जाएगा, 380 × 2 / 100 कितना हो जाएगा, 7.6 cm। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा लेंथ आया है ब्रिक्स का, जब हम इसको मेजर करेंगे तो ये लेंथ कितना आना चाहिए, 380 ± 7.6 cm, ठीक है। जब हम इसको मेजर करेंगे तो आना चाहिए 380 ± 7.6 cm, यानी ये हो जाएगा 387.6 cm से लेके 372.4 cm तक। तो इस 28 को जब हम मेजर करेंगे एक साथ तब उसका लेंथ आना चाहिए 387.6 से लेकर 372.4 cm के बीच होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम डायमेंशनल टेस्टिंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट टेस्टिंग हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। ब्रिक्स की वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि जो ईंट वाटर को जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करता है उस ईंट को हम उतना ही लो कैटेगरी में लेके चलते हैं, यानी ब्रिक्स को ज्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। इसी टेस्ट से हम ये भी अनुमान लगा लेते हैं कि ब्रिक्स की क्लास क्या है, फर्स्ट क्लास का है या सेकेंड क्लास का है या थर्ड क्लास का है। ओके, तो कैसे करते हैं इस टेस्ट को, देखिए वाटर एब्जॉर्प्शन निकालने के लिए दो टेस्टिंग है। एक तो आप अगर ब्रिक्स को हम 24 आवर्स तक कोल्ड वाटर में रखते हैं तब, और दूसरा टेस्टिंग होता है यदि हम ब्रिक्स को 5 आवर्स तक हॉट वाटर में रखते हैं तो। तो यहाँ पे दो टेस्टिंग है, इसका नंबर फर्स्ट है हमारा 24 आवर्स इन कोल्ड वाटर। इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे, देखिए इस टेस्टिंग के लिए हम नंबर ऑफ ब्रिक्स ले लेंगे 5 सैंपल के तौर पे, कितना लेंगे 5, ठीक है, क्योंकि हम कभी भी एक ब्रिक्स से टेस्ट नहीं करते हैं, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स ले लिया हमने 5। अब इसे हम सबसे पहले ओवन में रखेंगे, ठीक है, और उस ओवन का टेम्परेचर 105 से लेके 150
होना चाहिए, ठीक है। ब्रिक्स को हम तब तक ओवन में रखेंगे जब तक उस ब्रिक्स के अंदर वाटर कंटेंट कुछ ना कुछ पहले से ही होता है, ठीक है। तो वो वाटर कंटेंट जब तक खत्म ना हो जाए, यानी कि पूरी तरह से सूख ना जाए, ठीक है, पूरी तरह से सूख जाना चाहिए ईट। तो हम ये कैसे पता करेंगे कि पूरी तरह से ये सूख गया है, मतलब हम कैसे पता करेंगे कि ईट के अंदर से पानी पूरी तरह से सूख गया है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि बीच बीच में हम उस ओवन में से ईट निकाल करके वेटिंग मशीन में रखेंगे। हम तब तक उसको ओवन में रखेंगे जब तक उसका वेट कॉन्स्टेंट न हो जाए। जब उसका वेट स्थिर हो जाएगा तब हम समझ जाएंगे कि अब उसमें वाटर कंटेंट नहीं है, ठीक है। मान लीजिए अब वेट ऑफ ड्राई ब्रिक्स हो गया W1। अब हम इसे 24 आवर्स तक ठंडे पानी में रखेंगे और ऐसा वाटर में रखेंगे जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए, ओके। यानी ये जो टेम्परेचर मैंने लिया है 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रूम का टेम्परेचर होता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर यही होता है, ठीक है। अब हम 24 आवर्स तक ईट को पानी में रखेंगे और उसके बाद उसका वेट करेंगे, ठीक है। वेट ऑफ वेट ब्रिक्स मीन्स गीली ईट का वह W2। ये W1 जो है वो ड्राई ब्रिक्स का भार है और W2 ये गीली ईट का भार है, ठीक है। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है। W2 माइनस W1 अपॉन में W1 इंटू 100%, ठीक है। इस फॉर्मूला से हम निकालेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी उसका, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आता है, अगर हम फर्स्ट क्लास का ब्रिक्स यूज करते हैं तो 20 से हमें आना चाहिए 20% तक ही होना चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर सेकेंड क्लास का ब्रिक्स यूज करते हैं तो 20 से 22% तक, और अगर थर्ड क्लास का ब्रिक्स यूज करते हैं तो 22% से 25% तक, और 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि इससे ज्यादा है तो हम इस ऐसे ब्रिक्स का यूज इंजीनियरिंग वर्क में नहीं करेंगे। तो 20 से लेके 25 तक के ही बीच में आना चाहिए, ठीक है। 20 तक है तो फर्स्ट क्लास, 20 से 22 है तो सेकेंड क्लास, और 22 से 25 के बीच में है तो थर्ड क्लास। तो इस प्रकार से हम टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, वाटर कैपेसिटी निकालने का, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।